सविता, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि हमने क्लास शुरू किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हमारा जो पार्ट और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने एक क्लास कम्प्लीट कर लिया था इसके बारे में। नेक्स्ट आज हमारी सेकेंड क्लास रहती है और क्लास जो है वो किसकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम सेकेंड क्लास रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। शुरू करते हैं टॉपिक। आज हम जो शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम है फेरिक्स। फेरिक्स फेरिक्स फेरिंग्स होता क्या है? तो फेरिंग्स की अगर बात की जाए, फेरिंग्स तो जो है अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, URT, जिसको शॉर्ट में हमने लिखा था। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट पढ़ रहे थे हम, और अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन हमने पढ़ लिया था जो कौन था, नोज़, और दूसरा है फेरिंग्स। नोज और नोज़ की सारी डिजीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है? तो फेरिंग्स स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, इट्स स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, और कहाँ तक जाता है? बेस ऑफ स्कल से ईसोफेगस तक, टू द ईसोफेगस। स्टार्ट फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल टू द ईसोफेगस। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 12.5 टू 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अबाउट 12.5 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर जो है इसका क्या रहता है, साइज रहता है 12.5 टू 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर बात करें, यह आप कह सकते हो कि ये कहाँ से, बेस ऑफ स्कल से C6 कार्टिलेज तक जाता है, बेस ऑफ स्कल टू C6 कार्टिलेज, बेस ऑफ स्कल से लेके C6 कार्टिलेज तक रहता है ना। फेरिंग्स जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, इट्स कंटेन 3 पार्ट्स, तीन पार्ट्स मिलके बना होता है। एक होता है नेसोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स तो तीन पार्ट है इसके, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तीन पार्ट है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तीन पार्ट।
थ्री पार्ट्स आर प्रेजेंट देयर, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। अब बात करें ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे हमारा जो रहता है उसका नाम है नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स क्या है? नेजोफेरिंक्स, तो नेजोफेरिंक्स की अगर बात करें तो नेजोफेरिंक्स जो है वो कौन रहता है? तो नेजो यानी कि नोज और फेरिंक्स यानी कि फेरिंक्स, तो जो नोज को फेरिंक्स के साथ जोड़ती है ना, तो कहाँ से? तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर नेयर्स, और कहाँ तक जाता है? पोस्टीरियर नेयर्स टू सॉफ्ट पैलेट। पोस्टीरियर नेयर से शुरू होकर कहाँ तक? जो है हमारी सॉफ्ट पैलेट तक जाती है, यानी कि ये क्या करता है? नोज को कनेक्ट करता है। कनेक्ट द नोज विद फेरिंग्स, फेरिंग्स के साथ में जोड़ने का काम करता है, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोना। इज नोन एज कोना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कोना के नाम से जानते हैं, कोना। वहीं दूसरा पार्ट हमारा कौन है? तो दूसरे पार्ट का नाम है लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स यानी कि लैरिंक्स के साथ तो जुड़ता है, लैरिंक्स के साथ जुड़ता है लैरिंगोफेरिंक्स। तो लैरिंगोफेरिंक्स कहाँ से? फ्रॉम हायोइड बोन टू ईसोफेगस। फ्रॉम हायोइड बोन टू हायोइड बोन टू ईसोफेगस। और तीसरा हमारा जो रहता है वो है ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स क्या है? तो ओरोफेरिंक्स फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू हायोइड बोन। फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू हायोइड बोन, जो सॉफ्ट पैलेट से चल के हायोइड बोन तक जाता है वो क्या है? हमारा ओरोफेरिंक्स है ना। और इस पार्ट को हम बोलते हैं फाउसेस। ये जिस पार्ट पे जाके जुड़ता है उसको हम बोलते हैं फाउसेस। जैसे अगर हम डायग्राम के थ्रू बात करें, डायग्राम देखें, ओरोफेरिंक्स तो क्या है? अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जैसे क्या है, ये आपकी क्या है? आगे की तरफ कौन पड़ी है? आपका ट्रेकिया पड़ा है, और पीछे की तरफ आपकी कौन है? ईसोफेगस है। दैट इज ईसोफेगस एंड दैट इज ट्रेकिया, दैट इज नोज एंड दैट इज माउथ। तो हमने कहा कि फेरिंग्स, तो इस जो ये जो कौन हमारी ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के ऊपर कौन होता है? लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स होता है ना। और यहाँ से किसके साथ? तो यहाँ ये जो है ये कनेक्ट होता है लैरिंक्स के साथ, इधर से जो है फेरिंक्स किसके साथ? नोज के साथ कनेक्ट होता है, और इधर जो है
ये किसके साथ कनेक्ट होता है, इस लैरिंग्स के साथ आकर के जुड़ता है। तो यहाँ तीन ओपनिंग्स बन गई, और तीन को हमने क्या क्या नाम दिया, तो उन तीनों को नाम दिया तो एक क्या हो गई, एक ओपनिंग जो क्या है ये जो कहाँ जुड़ रही है, इस नोज के साथ नेजल कैविटी के साथ में जुड़ रही है, तो इसको आप क्या बोलोगे, नेजो फेरिंग्स। ये जो माउथ के साथ जुड़ रही है इसको आप बोलोगे ओरो फेरिंग्स। और जो ये नीचे की तरफ है इसको हम बोलते हैं लैरिंगो फेरिंग्स। तीन हो गई, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लैरिंगो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स जो है, ये नेजो फेरिंग्स जहाँ से इस पार्ट पे जहाँ ये जुड़ रही है, इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं, जहाँ से ये वाला जो पार्ट जहाँ से ये जुड़ रही है इसको हम नाम देते हैं कोना। तो आप क्या बोलते हो, कोना। और जिस पार्ट पे ये जो माउथ जो है ये कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से ये माउथ कनेक्ट हो रहा है, इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, फाउसेस, है ना, क्या बोल दोगे, फाउसेस। अगर क्या होता है यहाँ पोस्टीरियर नेयर्स की ओपनिंग एब्सेंट होती है ना, अगर क्या हो, इफ इफ पोस्टीरियर नेयर्स ओपनिंग आर एबसेंट फ्रॉम बर्थ, तो उसको क्या बोलते हैं, को एनल एट्रेसिया। उसको हम क्या बोलते हैं, को एनल एट्रेसिया के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, को एनल एट्रेसिया। उसको हम क्या बोलते हैं, को एनल एट्रेसिया। उसको आप क्या बोलोगे, को एनल एट्रेसिया। अब हम बात करते हैं कि अब ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स में अगर क्या हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका जो है इसका क्या है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स इज नोन एज फेरिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं, कि अगर फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको क्या बोलोगे आप, फेरिंजाइटिस बोलोगे। अब ये जो हमारा फेरिंग्स है ये दो तरीके की मसल से मिलकर बना होता है। फेरिंग्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मसल, इट्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मसल्स। और वो दो तरीके की मसल कौन सी है, तो एक मसल का नाम है आउटर मसल, और दूसरी होती है इनर मसल। आउटर मसल और इनर मसल, आउटर मसल यानी कि जो बाहर की तरफ है, इनर यानी कि जो अंदर की तरफ है। और जो आउटर मसल है उसको आप सर्कुलर मसल भी बोलते हो, और जो इनर है उसको आप लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हो। दो तरीके की मसल है यहाँ, एक है आउटर और एक है इनर। आउटर इज सर्कुलर मसल, इनर इज लॉन्जिट्यूडिनल, यानी कि इनका अपीयरेंस कुछ ऐसा होता है। अपीयरेंस क्या रहता है, कुछ ऐसा रहता है, कैसा, तो जो आउटर है हमने कहा कैसी है, सर्कुलर है। आउटर कैसी है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर है तो ये क्या होंगी, सर्कल होंगी, सर्कल शेप में होगी, ये कुछ इस तरीके से रहती है। तरीके
तरीके से सर्कल के अंदर रहेंगी। और जो हमारी लॉन्जिट्यूडिनल है वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। इस तरीके से, तो यानी क्या है, दो तरीके की मसल रहती है, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल। सर्कुलर है वो तो क्या करेगी, जो फूड है उसको क्या करती है, कंप्रेस करने जो है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, और जो लॉन्जिट्यूडिनल है वो इसको क्या करने का काम करती है, शॉर्ट करने का काम करती है। बात आती है कि जो फेरिंग की जो मसल है, इन मसल्स के अंदर जैसे इनर लॉन्जिट्यूडनल लेयर है ना, आउटर की तरफ कौन है, आउटर की तरफ सर्कुलर लेयर है। तो सर्कुलर लेयर जो है इनके अंदर क्या है, जो आउटर सर्कुलर लेयर है इनके अंदर क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक सेल होती है जिनको हम बोलते हैं सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर, है ना, स्पेसिफिक सेल है। तो ये क्या है, जो आउटर सर्कुलर है, सर्कुलर इज सप्लाइड बाई, कौन सप्लाई करता है इसको, नाव सप्लाई करती है, और नाव कौन सी, इसको क्रेनियल नाव 10 नंबर, 10th क्रेनियल नाव सप्लाई करती है, और 10th क्रेनियल नाव का नाम है वेगस नाव। वेगस नाव क्या करती है, इसको सप्लाई करती है ना। और जो वेगस नाव है इस, ये क्या करती है, तो वेगस नाव का काम है क्या करना, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम के साथ में काम करना। वेगस नाव किसके साथ काम करती है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में काम करती है। अब अगर बात करें तो जो हमारा आउटर सर्कुलर लेयर है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर है या कौन कौन सी मसल्स हैं, तो उनमें एक पाई जाती है सुपीरियर फेरिंजियल, कौन सी मसल पाई जाती है, तो एक पाई जाती है सुपीरियर फेरिंजियल, सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल कहाँ पाई जाती है, ओरोफेरिंग्स में होती है। ये कहाँ होती है, ओरोफेरिंग्स। दूसरी है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर फेरिंजियल मसल, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर फेरिंजियल मसल, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर फेरिंजियल मसल। और ये कहाँ होती है, ये होती है लैरिंग ऑफ फेरिंग्स में, लैरिंग ऑफ फेरिंग्स में होती है ना। और एक होती है इन्फीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। और ये कहाँ होती है, तो ये आपके कहाँ, लैरिंगो फेरिंग्स में भी, यही लैरिंगो फेरिंग्स। तो तीन तरीके की है, तीनों क्या है, तो जो आपका ओरो फेरिंग्स है उसमें कौन होती है, सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और लैरिंगो फेरिंग्स में कौन, मिडल और इन्फीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। क्या काम है इनका, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, और जो फूड है उसको कहाँ भेजना। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट या टू कॉन्स्ट्रिक्ट द फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड पुश द फूड इनटू ईसोफेगस, कहाँ भेजना, ईसोफेगस के अंदर भेजना, कहाँ भेजना, ईसोफेगस में भेजना, कहाँ भेजना, ईसोफेगस के अंदर भेजना। तो क्या है, फेरिंग्स के अंदर आउटर जो है वो क्या होना होती है, सर्कुलर मसल होती है, और सर्कुलर में तीन पार्ट हमने बात की, सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, मिडल फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, और तीसरी है इन्फीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। सुपीरियर फेरिंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ओरोफेरिंग्स में होती है, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर फेरिंजियल मसल लैरिंगोफेरिंग्स में, और इन्फीरियर वाली जो होती है वो
लरिंग ऑफ फेरिंग्स में। काम क्या है इनका, फेरिंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना और फूड को आगे पास करना। दूसरा हमारा क्या है, जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल है, कौन है लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल। और लॉन्जिट्यूडिनल मसल जो है वो क्या है, तो लॉन्जिट्यूडिनल मसल में कौन कौन सी है, या लॉन्जिट्यूडिनल लेयर में कौन कौन सी मसल रहती है, जिसमें एक होता है स्टाइल ऑफ स्टेफाइलो फेरिंजियस, एक होता है पैलेटो फेरिंजियस और एक होता है सल्पिंजो फेरिंजियस। तीन बातें होती है, होता है स्टाइलो फेरिंजियस, एक होता है पैलेटो फेरिंजियस पैलेटो फेरिंजियस और तीसरा है सल्पिंजो फेरिंजियस। सल्पिंजो फेरिंजियस स्टाइलो फेरिंजियस जो है ये कहाँ से, ये स्टीलोइड प्रोसेस से शुरू होता है ना, किसकी, टेम्पोरल लोब की, और कहाँ तक होता है, फेरिंग्स तक। तो इट इज फ्रॉम स्टेलॉइड प्रोसेस, किसकी, टेम्पोरल बोन की, लोब की, और टेम्पोरल लोब टू कहाँ तक, फेरिंग्स, टू फेरिंग्स। और इसको सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है ग्लॉसो फेरिंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व दूसरी है पैलेटोफेरिंजियस, दूसरी कौन है, दूसरी है पैलेटोफेरिंजियस। और पैलेटोफेरिंजियस जो है ये हार्ड पैलेट ऑफ द ओरल कैविटी, जो हमारी ओरल कैविटी है, फ्रॉम हार्ड पैलेट ऑफ ओरल कैविटी और कहाँ तक, फेरिंग्स तक, फेरिंग्स। और इसको सप्लाई कौन करता है, इसको सप्लाई करता है वेगस नर्व, वेगस नर्व। वहीं अगर बात करें तो तीसरी बात कौन रहती है, तो तीसरा रहता है हमारा सल्पिंजो फेरिंजियस। और सल्पिंजो फेरिंजियस ये जो हमारी यूस्टियन ट्यूब होती है वहाँ से लेके फेरिंग्स तक होता है, फ्रॉम यूस्टियन ट्यूब टू फेरिंग्स, ईस्टियन ट्यूब से लेके फेरिंग्स तक होता है। और इसको भी कौन सप्लाई करता है, तो ये भी वेगस नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, वेगस नर्व भी क्या करती है, इसको सप्लाई करती है। फंक्शन क्या है हमारे फेरिंग्स के, फेरिंग्स के फंक्शन, फंक्शन ऑफ फेरिंग्स फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स के फंक्शन क्या क्या रहते हैं, तो फेरिंग्स के फंक्शन की अगर बात करें तो क्या क्या फंक्शन है फेरिंग्स के, तो फेरिंग्स का फंक्शन है कि जब हम स्वेलो करते हैं फूड को तो उस दौरान क्या करना, एक कॉमन पासेज वे देना, एयर और फूड के लिए क्या करना, एक कॉमन पासेज वे देना। तो टू प्रोवाइड, काम क्या है, तो टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड कॉमन पैसेज वे टू एयर एंड फूड, एयर और फूड को क्या करना, कॉमन पैसेज वे प्रोवाइड करवाना, क्या करवाना, कॉमन पैसेज वे देना। इसके अलावा और क्या करना, इसके अलावा हियरिंग,
हियरिंग में हेल्प करता है, और क्या है तो कहीं ना कहीं स्पीच में को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट स्पीच, अफेक्ट करता है किसको, स्पीच को। अब हमने कहा कि अगर क्या हो जाए इस फेरिंग्स में कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं फेरिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, फेरिंजाइटिस बोलते हैं, और फेरिंजाइटिस के बारे में हम कुछ बात करेंगे। फेरिंजाइटिस, तो फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस क्या है, फेरिंजाइटिस तो फेरिंजाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या होना, इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है, फेरिंजाइटिस कहलाता है। क्या कहलाएगा, फेरिंजाइटिस कहलाता है। होने का कारण क्या क्या हो सकता है, तो होने के कारण क्या रहेंगे, तो कारण अगर बात करें तो फेरिंजाइटिस होने का क्या कारण हो सकता है, तो कोई भी इन्फेक्शन हो गया है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेशेंट को क्या हो सकता है, फेरिंजाइटिस देखने को मिल सकता है, फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट है लैरिंग्स, नेक्स्ट टॉपिक है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स तो लैरिंग्स जिसको दूसरे वर्ड में ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये एक्सटेंड होता है कहाँ से, एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड होगा, तो अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस, जो हमारा एपिग्लॉटिस है, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, और वहां से कहां तक, टू दी लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। तो दो चीजें होती है, एक होता है कहां, तो अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज तक रहता है, कौन, हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स, लैरिंग्स होता कैसा है, तो लैरिंग्स ट्राइंगुलर शेप का होता है। लैरिंग्स कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है, इट्स हैव ट्राइंगुलर इन शेप। ये कैसा होता है, ट्राइंगुलर शेप का होता है। इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप ट्राइंगुलर होती है। कैसी होती है, ट्राइंगुलर शेप होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स जो है क्या है, टू पेयर ऑफ कॉर्ड से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, टू पेयर ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड आर फॉर्म दिस, दो तरीके की क्या है, पेयर मिलके क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। और वो दोनों पेयर कौन से हैं, तो एक पेयर तो है, दोनों पेयर कौन से हैं, तो एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड और दूसरा होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स एंड ट्रू वोकल कॉर्ड रहते हैं। फॉल्स और ट्रू वोकल कॉर्ड की बात करें तो फॉल्स वोकल कॉर्ड यानी कि जिसको क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूलर भी बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर पार्ट भी बोलते हैं, वेस्टिब्यूलर, और ये क्या है, तो ये अपर वाली साइड होता है, ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसको अपर पेयर भी बोलते हैं, और ये नीचे की साइड होता है, इसलिए इसको लोअर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर पेयर और लोअर पेयर, ऐसा इनका क्या रहता है, कुछ स्ट्रक्चर रहता है। डायग्राम बना के अगर देखा जाए तो डायग्राम इनका कैसा रहेगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, कुछ ऐसा क्या रहता है, डायग्राम रहता है, कुछ ऐसा अपियरेंस इसका क्या रहेगा, आपको देखने को मिलेगा।
ऐसा भी रहस होता है कुछ। कुछ ऐसा अपीयरेंस होता है किसका, आपके इस वोकल कॉर्ड का, इस वॉइस बॉक्स का। इस वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड के अंदर क्या है, ये जो बीचों बीच जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जो नैरो वेस्ट पार्ट है सबसे, जो दोनों वोकल ट्रू वोकल कॉर्ड, ये क्या है, ये आपका फाल्स वोकल कॉर्ड है। ये क्या है, फाल्स वोकल कॉर्ड है, और ये आपका क्या है, ट्रू वोकल कॉर्ड है। फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड ट्रू वोकल कॉर्ड। अब क्या है, ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड, हाँ जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, इसके अंदर हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये इसके अंदर ये जो बीच में ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं रीमा ग्लोटिस। क्या नाम देते हैं, रीमा ग्लोटिडिस, रीमा ग्लोटिडिस। और ये रीमा ग्लोटिडिस के साइड में जो पार्ट पड़ा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोटिडिस। ये वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो ग्लोटिडिस। क्या बोलते हो, ग्लोटिडिस। तो क्या है, ये जो है, ये आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड है, ये आपका ट्रू वोकल कॉर्ड है, और ये जो बीच में जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, रीमा ग्लोटिडिस। और रीमा ग्लोटिडिस और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस है, उसको क्या नाम दिया, ग्लोटिडिस। क्या नाम दिया, ग्लोटिडिस। जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स, लैरिंग्स का साइज कितना होता है, तो ये लैरिंग्स लगभग कितना, तो ये 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर की होती है। लंबाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी इंच होती है, इंच। और 1.5 इंच का मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर ना, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो ये लाइज कहाँ, ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट रहता है किसके, C3 to C6, ऑपोजिट C3 to C6 किसमें, अडल्ट में, और C1 to C4 इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन के बारे में पूछे, तो आप बोलोगे कि ये कहाँ होता है, C1 to C4 के ऑपोजिट पड़ा रहता है, और अडल्ट की मैं बात करूँ, तो ये C3 to C6 प्रेजेंट रहता है। लैरिंग्स जो है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये लैरिंग्स कार्टिलेज से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेज। बना हुआ किससे होता है, इट इज, किससे मिलके बना होता है, तो इट इज मेड अप बाई दी कार्टिलेज। किससे मिलके बना होता है ये, तो ये कार्टिलेज से बना होता है, और कितने कार्टिलेज से, तो टोटल 9 कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज होते हैं, टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, टोटल 9 कार्टिलेज। अब 9 कार्टिलेज की अगर बात करें, तो कौन कौन से, तो 3 कार्टिलेज तो इसमें क्या होते हैं, लार्जेस्ट। क्या होते हैं, 3 कार्टिलेज, 3 कार्टिलेज आर लार्जेस्ट। 3 कार्टिलेज तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और 6 कार्टिलेज, 6 कार्टिलेज मीन्स 3 पेयर, 3 पेयर ऑफ कार्टिलेज जो है, वो क्या रहते हैं, 3 3, यानी कि 6 कह सकते हो आप, कि 6 कार्टिलेज क्या रहते हैं, वो पेयर के रहते हैं, यानी कि 3 पेयर के अंदर होते हैं। 3 लार्जेस्ट कार्टिलेज है, और उसके बाद 6 जो है वो क्या रहते हैं, पेयर के अंदर रहते हैं, है ना। अब हम बात करें कि वो जो बड़े कार्टिलेज हैं, ये कौन कौन से हैं, तो अगर इन लार्जेस्ट कार्टिलेज की हम बात करें, तो कौन कौन से ये बड़े कार्टिलेज रहते हैं, तो लार्जेस्ट कार्टिलेज की बात करें, तो लार्जेस्ट कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज, और लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन कौन से है, तो हमने कहा कि 3 होते हैं, कौन
कौन कौन से? तो एक कौन है आपका थायराइड कार्टिलेज, एक है थायराइड कार्टिलेज जिसको दूसरे वर्ड में किस नाम से जानते हैं, तो इसको दूसरे वर्ड में बोला जाता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। दूसरा कार्टिलेज जो है वो कौन है, तो वो आपका है लीड कार्टिलेज। लीड कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और तीसरा जो बड़ा कार्टिलेज है उस कार्टिलेज का नाम क्या है, उसका नाम है सिंजेंट रिंग कार्टिलेज, सिंजेंट रिंग कार्टिलेज। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? क्रिकोइड कार्टिलेज। अब क्या है? अब बात है कि जो हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज है, क्या है? क्रिकोइड कार्टिलेज है, लीड कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है। ये तीन तो क्या है, बड़े कार्टिलेज है, और छह कार्टिलेज क्या रहेंगे, छोटे कार्टिलेज रहते हैं। सिक्स क्या रहेंगे, स्मॉल कार्टिलेज रहेंगे। सिक्स आर प्रेजेंट इन पेयर, और पेयर में है वो कौन है, तो वो कौन कौन से हैं, तो जो पेयर में है वो कौन है, तो एक तो आपका है कौन, कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो कैसा होता है, हॉर्न शेप का होता है, हॉर्न शेप। हॉर्न शेप मीन्स यानी कि इस तरीके से जैसे गाय भैंस के सींग वगैरह होते हैं, है ना, तो उस शेप का होता है हॉर्न शेप। दूसरा है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो है वो क्लब शेप का होता है, क्लब शेप का होता है। और तीसरा कार्टिलेज जो है जो पेयर में है वो कौन है, तो वो एरिटिनोइड कार्टिलेज है, एरिटिनोइड कार्टिलेज। और ये एरिटिनोइड कार्टिलेज इसको फाइब्रोब्लास्टिक बैंड भी बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्टिक बैंड भी बोलते हैं। तो जो पेयर में है वो कौन कौन से है, कॉर्निकुलेट जो हॉर्न शेप का होता है, क्यूनिफॉर्म जो क्लब शेप का होता है, और एरिटिनोइड जो फाइब्रोब्लास्टिक बैंड रहता है, फाइब्रोब्लास्टिक बैंड होते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारा क्या है कार्टिलेज, वन बाय वन इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक नंबर पे हमारा कार्टिलेज है, उसका नाम है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। अब बात करें एडम एप्पल, तो ये क्या है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। अभी अभी हमने देखे थे कि जो बड़े कार्टिलेज है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने इसको लिखा था, हमने कहा कि ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है, तो सबसे बड़ी बात तो इसके लिए यही है। दूसरा क्या है कि ये क्या है, जो कॉमन कार्टिलेज, जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, ये थायराइड कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर पे आके डिवाइड होती है। क्या है कि जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी आर डिवाइडेड एट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। जो हमारा, जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो इस जो थायराइड कार्टिलेज है इसके सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर आकर के क्या होती है, डिवाइड होती है, और मेल के अंदर क्या होता है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। मेल के अंदर कैसा होता है, तो मेल में मोर प्रोमिनेंट इन मेल, और
मेल में है कितना प्रोमिनेंट, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे आता है, 90 डिग्री एंगल पे आता है, जबकि फीमेल के अंदर लेस प्रोमिनेंट होता है, लेस प्रोमिनेंट इन फीमेल, और कितना लेस, तो 120 डिग्री का एंगल बनाता है फीमेल के अंदर। दूसरा कार्टिलेज आपका जो है उसका नाम है एपिग्लॉटिस या लीड कार्टिलेज। दूसरा कार्टिलेज जो है उसका नाम है एपिग्लॉटिस या लीड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस या लीड कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस या लीड कार्टिलेज की बात करें तो ये एपिग्लॉटिस और लीड कार्टिलेज कैसा होता है, तो ये लीफ शेप का होता है। कैसा होता है, लीफ शेप, कैसा होता है, ये लीफ शेप का होता है। कैसा होता है, लीफ शेप का होता है। क्या करता है ये, तो ये मूव करता है अप और डाउन। जब हम क्या करते हैं, जब हम फूड स्वेलो करते हैं है ना, या जब हम क्या करते हैं एयर इनहेल करते हैं, तो उस दौरान क्या करता है ये, अप डाउन मूव करता है, और ये क्या है, दोनों को पाथवे देने का काम करता है। जैसे क्या है, जैसे क्या है, ये आपका यहाँ क्या है, आपकी आगे ट्रेकिया है, पीछे की तरफ आपका क्या है, ईसोफेगस है ना, यहाँ क्या आपका ये ओरोफेरिंग्स है, फेरिंग्स है। यहाँ से जैसे आपने क्या किया, फूड लिया, तो उस फूड को कहाँ भेजना है, उस फूड को इस ईसोफेगस में भेजना है। अगर ये फूड कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या है, ये आपका लीड कार्टिलेज कहाँ है, यहाँ एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होती है, यहाँ क्या होती है, एक लीफ शेप स्ट्रक्चर होती है। तो वो क्या करती है कि जब इधर से फूड आता है तो ये क्या करती है, इसको बंद कर लेती है, जब इधर से एयर आती है तो वो क्या करती है, इसको बंद कर लेती है ना। तो इस तरीके से पाथवे बना करके देने का काम करता है। तो इसको हमने क्या बोला, इसको आप दूसरे वर्डों में ट्रैफिक पुलिसमैन भी बोल सकते हो। तो ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस, इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ना। तो क्या करता है ये, तो मूव अप एंड डाउन, क्या मूव अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ, कब, ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड इनहेलेशन ऑफ एयर, कब, जब हम क्या करते हैं फूड को स्वेलो करते हैं या एयर का इनहेलेशन करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है ये मूव करता है कहाँ, अप और डाउन, और उससे क्या करता है ये हमें प्रिवेंट प्रिवेंट फूड एंट्रिंग इनटू ट्रैकिया, और ये क्या करता है, ट्रैकिया में फूड को जाने से रोक लेता है ना। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा बड़ा कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज का नाम है, और कार्टिलेज का नाम क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज या सिंजेंट रिंग कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज या सिंजेंट रिंग कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज या सिंजेंट रिंग कार्टिलेज में क्या है, तो क्रिकोइड कार्टिलेज या सिंजेंट, इसका क्या है, एंटीरियर पार्ट जो होता है वो तो क्या होता है, नैरो होता है, और इसका पॉजिटीरियर पार्ट जो है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। क्या है इसका, एंटीरियर पार्ट आर नैरो, पॉजिटीरियर पार्ट आर ब्रॉड, पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या होता है, ब्रॉड होता है, एंटीरियर पार्ट इसका क्या होता है, नैरो होता है, और ये क्या करता है, जो फेरिंक्स है उसकी इन्फीरियर वॉल बनाता है, फॉर्म द इन्फीरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स। ये क्या करता है, फेरिंक्स की इन्फीरियर वॉल जो है उसको बनाने का क्या करता है, काम करता है। ये क्या थे हमारे तीन बड़े कार्टिलेज,
उसके बाद क्या है, जो तीन पेयर में है यानी कि जो सिक्स कार्टिलेज है, और वो जो पेयर्ड कार्टिलेज है वो कौन कौन से हैं? तो पेयर्ड कार्टिलेज, तो अभी अभी हमने देखा पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से थे, तो पेयर कार्टिलेज है वो कौन कौन से थे? तो पेयर कार्टिलेज एक था कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, एक था क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, एक था एरिटेनॉइड कार्टिलेज। तो कॉर्निकुलेट जो है वो हमने कहा कैसा होता है, हॉर्न शेप का होता है, और ये क्या होता है, वोकल कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड टू दी वोकल कॉर्ड। ये किसके साथ, वोकल कॉर्ड के साथ में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। दूसरा होता है क्यूनिफॉर्म, जो क्लब शेप का होता है, और वो क्या रहता है, जो हमारा एरिटेनॉइड कार्टिलेज था उस एरिटेनॉइड कार्टिलेज की क्या, एपेक्स पे लोकेटेड रहता है, लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ईच एरिटेनॉइड कार्टिलेज के एपेक्स के ऊपर लोकेटेड होता है कौन, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। और तीसरा हमारा कौन था, तीसरा हमारा था एरिटेनॉइड, जिसको हमने बोला क्या, फाइब्रोब्लास्टिक बैंड। और ये क्या है, ये जहाँ से वोकल कॉर्ड की अटैचमेंट होती है उस पॉइंट पे होता है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट फॉर वोकल कॉर्ड, पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के अटैचमेंट के लिए उस, ये क्या है, पॉइंट है कौन, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कफ करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो फेरिंग्स है, सॉरी लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स में क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। और वो मूवमेंट कैसे, तो व्हेन सिंगिंग, जब जब हम क्या करते हैं, सिंग ए सॉन्ग, जब एक गाना गा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या है, हमारा जो लैरिंग्स है या वोकल कॉर्ड है उसमें कैसे मूवमेंट होते हैं, तो वोकल कॉर्ड क्या होता है, वोकल कॉर्ड कम्स टुगेदर, दोनों वोकल कॉर्ड क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जैसे हमने क्या किया था, हमने ऊपर की तरफ क्या किया था, फाल्स वोकल कॉर्ड बनाए थे, और फाल्स वोकल कॉर्ड के बाद हमने कहा था कि अंदर की तरफ ट्रू वोकल कॉर्ड थे, और वो जो ट्रू वोकल कॉर्ड है तो ये क्या होंगे, दोनों पास पास आएंगे, और उसके बाद क्या करने लगेंगे, एंड वाइब्रेट, क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। वहीं जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जब क्या करते हो आप, ब्रीथिंग करते हो, तो ये क्या हो जाता है, दूर दूर चला जाता है वोकल कॉर्ड अबडक्टेड, और इसमें क्या होता है, अडक्टेड। तो इस तरीके से वोकल कॉर्ड में क्या होती है, मूवमेंट होती है। इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारा लैरिंग्स है वो दो तरीके की मसल से मिलके बना है, वोकल कॉर्ड फॉर्म बाई, अगर मसल की बात करूँ, मसल तो टू टाइप की मसल है, दो टाइप की मसल कौन सी, तो एक होती है इंट्रिंसिक मसल, इंट्रिंसिक मसल, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक मसल। तो इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल, दो तरीके की मसल से मिलके कौन बना होता है, आपका फेरिंग्स बना हुआ होता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, और लैरिंग्स के फंक्शन क्या क्या है, एक है वॉइस प्रोडक्शन करना, क्या करना, वॉइस का प्रोडक्शन करना, क्या करना, जो हमारी पिच ऑफ वॉइस है उसको बनाना, पिच ऑफ वॉइस का फॉर्मेशन करना, क्या करना, जो हमारी स्वेलोविंग है उसमें हेल्प करना, स्वेलोविंग में क्या करना, हेल्प करना, क्या करना, रेस्पिरेशन करवाना उसमें हेल्प करना, है ना। सारे के सारे क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं किसके, हमारे लैरिंग्स के। नेक्स्ट जो पार्ट रहता है, नेक्स्ट ऑर्गन रहता है, ऑर्गन का नाम है ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया तो ऑल्सो नोन एज विंड पाइप,
ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप, कहाँ से कहाँ तक होती है? द एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई, लैरिंग्स से ब्रोंकाई तक होती है। कौन? आपकी ट्रेकिया। कितनी होती है? तो लगभग 1 इंच तो इसका डायमीटर होता है, 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या रहता है? डायमीटर। 1 इंच क्या रहता है? इसका डायमीटर रहता है। और 10 से 15 सेंटीमीटर क्या रहती है? लॉन्ग रहती है। 15 सेंटीमीटर इसकी क्या रहती है? लेंथ। तो 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और लगभग क्या 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर क्या रहती है? इसकी डायमीटर रहता है। और क्या होती है? किसकी बनी होती है? तो कंटेन विद सी सेपरिंग, सी सेपरिंग। और ये सी सेपरिंग कितनी होती है? तो ये 16 से 20 सी सेपरिंग होती है। होने का कारण क्या है? तो टू प्रिवेंट फ्रॉम अक्लूजन, कहीं इसमें क्या ना आ जाए, अक्लूजन ना आ जाए, कहीं से ये पिचक ना जाए, इसके लिए इसमें सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग डाली है। कितनी? 16 से 20। लोअर पार्ट पे जाकर क्या होती है? लोअर पार्ट पे क्या बनाती है? ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, और दो पार्ट में जहाँ डिवाइड होती है तो उस दौरान क्या होता है? एक एंगल बनता है। और वो एंगल कितना होता है? या आप कह सकते हो, आपको पूछा जा सकता है ट्रेकियल बाइफर्केशन एंगल कितना होता है, तो आप बताएंगे 70 प्लस माइनस 20। क्या? 70 प्लस माइनस 20 डिग्री क्या रहता है? ये बाइफर्केशन का एंगल रहता है। किसका? ट्रेकिया का। फंक्शन क्या क्या है इस ट्रेकिया के? इस ट्रेकिया के फंक्शन, तो फंक्शन की मैं बात करूँ तो मेनली तो क्या है? एयर को पैसेज देना, तो मेक एयर पैसेज वे, मेक एयर पैसेज वे। क्या करना? एयर को क्या करना? एक रास्ता देना, इसका मेनली क्या रहता है? काम रहता है एयर पैसेज। नेक्स्ट क्या रहता है? नेक्स्ट है आपकी कौन? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आपको पता है कि ब्रोंकाई कितनी होती है? तो नंबर में क्या होती है? दो होती है। एक कहाँ होती है? राइट साइड। एक कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट वाली आगे फर्दर क्या? फर्दर कितने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, और उनको क्या बोलते हैं हम? ब्रोंकियोल्स। और राइट वाली जो होती है वो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। जो आपकी राइट ब्रोंकाई जो होती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसकी लंबाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेफ्ट वाली जो होती है लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ना? राइट ब्रोंकाई जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है लेफ्ट की तुलना में, तो ये क्या होती है? स्लाइटली लार्ज, स्लाइटली लार्ज। और ये क्या होती है? स्लाइटली नैरो। लेफ्ट वाली हल्की सी छोटी होती है जबकि राइट वाली हल्की सी क्या रहती है? बड़ी रहती है ना? समझ पा रहे बात को? लेफ्ट वाली जो है वो क्या रहती है? 5 सेंटीमीटर लंबाई में होती है, राइट वाली 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की रहती है। और ये एल और ब्रोंकाई जो है ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है, राइट वाली 3 में, लेफ्ट वाली 2 में। और ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल फिल एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट जो है वो क्या करती है? आगे जाके एल्वियोलाई के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है? एल्वियोलाई के साथ जुड़ती है। और एल्वियोलाई क्या है? क्लस्टर ऑफ क्रेब्स लाइक स्ट्रक्चर, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि अंगूर के गुच्छे के जैसी संरचना रहती है। कौन? आपकी एल्वियोलाई। क्या होती है इसके अंदर? तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और क्या होती है? गैसेस अक्रॉस दिस, और क्या करती है इसको? ग्रोसेस क्या, गैसेस क्या करती है? क्रॉस करती है। और यहाँ गैस क्या होती है? एक्सचेंज होती है। तीन टाइप की सेल होती है इस एल्वियोलाई के अंदर। कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल, तीन टाइप की सेल को लेकर के चलती है। कौन? एल्वियोलाई। यानी कि एल्वियोलाई के पास तीन तरीके की सेल है। एक सेल का नाम है न्यूमोसाइट सेल 1, दूसरी सेल का नाम है न्यूमोसाइट सेल 2, और
तीसरी सेल का नाम है न्यूमोसाइट सेल 3। तो तीन तरीके की सेल है किसके पास, इस एल्वियोलर के पास, न्यूमोसाइट सेल 1, न्यूमोसाइट सेल 2 एंड न्यूमोसाइट सेल 3। न्यूमोसाइट टाइप 1 सेल क्या है, तो ये क्या करती है, जो टाइप 1 सेल है ये क्या करती है, गैसेज के एक्सचेंज को के लिए जिम्मेदार है। गैसेज एक्सचेंज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। वहीं मैं बात करूँ जो टाइप 2 वाली जो सेल है ना, या सेल 2 न्यूमोसाइट जो है वो क्या करती है, तो सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। और तीसरी जो टाइप की सेल है वो फेगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कौन, टाइप 3 जो वाली जो सेल है। टाइप 1 सेल फॉर गैस एक्सचेंज, टाइप 2 सेल फॉर सर्फेक्टेंट एंड टाइप 3 सेल फॉर फेगोसाइटोसिस, है ना। और लास्ट में जो हमारा पार्ट रहता है वो आता है लंग्स, एनाटॉमी पार्ट्स क्या, और लंग्स क्या है, तो लंग्स कौन शेप का ऑर्गन है, कैसा है, कौन शेप का है, नंबर में कितने होते हैं, दो होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। राइट वाले में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं, है ना। राइट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ा छोटा रहता है ना। राइट वाला जो है इसमें 3 लोब होते हैं और 10 सेगमेंट होते हैं, लेफ्ट वाला जो है इसमें 2 लोब और 8 सेगमेंट होते हैं, समझ पा रहे आपको, है ना। 3 लोब कौन कौन से, इसमें एक होता है सुपीरियर, एक होता है मिडल और एक होता है इन्फीरियर, और इसमें क्या होता है, एक सुपीरियर होता है और एक इन्फीरियर होता है। तो 2 लोब होते हैं इसमें, इसमें लेफ्ट के अंदर कौन शेप का होता है। पार्ट अगर इसकी पार्ट की बात करें तो जैसे इस तरीके से क्या रहता है आपका, लंग्स रहता है, ठीक है, आपका लंग्स है। तो लंग्स का ये जो पार्ट है जो नीचे की तरफ है इसको हम बोलते हैं बेस, ये जो पार्ट जो ऊपर की तरफ है इसको हम बोलते हैं अपेक्स, और ये जो पार्ट है इसको आप बोलते हैं कोस्टल सरफेस। तो 3 पार्ट है, बेस, अपेक्स और कोस्टल सरफेस, है इस तरीके से क्या रहता है आपका, लंग्स रहता है ना। लंग्स जो है इसके अंदर अगर लोब की बात करें तो जैसे ये क्या है आपका, लेफ्ट लंग्स है। तो ये लेफ्ट लंग जो है ये किसके द्वारा, ये बाइनरी फिश सॉरी ओब्लिक फिशर के द्वारा क्या होता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, और ये ओब्लिक फिशर जो है ये दोनों लंग्स के अंदर होती है, राइट में भी होती है लेफ्ट में भी होती है ना। और जो हमारा जो राइट लंग्स है उसमें क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल फिशर होती है और एक क्या रहती है, ओब्लिक फिशर रहती है। तो इसमें क्या होते हैं, 1 2 3, 3 लोब होते हैं, इसमें 1 और 2 रहते हैं, सुपीरियर है मिडल है इन्फीरियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है। तो उसमें क्या रहते हैं, 2 लोब, और इधर क्या रहते हैं, 3 लोब रहते हैं, ठीक है, आपकी एनाटॉमी पर्सन रहती है। अब हम बात करें जो आपकी थोरेसिक कैविटी जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो थोरेसिक कैविटी की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो थोरेसिक कैविटी में क्या होता है कि आपकी जो थोरेसिक कैविटी है इस थोरेसिक कैविटी में क्या देखने को मिलेगा आपको, थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर। तो थोरेसिक कैविटी की स्ट्रक्चर की बात करें तो थोरेसिक कैविटी जो है ये क्या है, 2 तरीके की लेयर्स है, जैसे ये क्या आपके लंग्स है, ये क्या है लंग्स है। इस लंग्स को क्या करती है, एक लेयर है जो क्या करके रखेगी, कवर करके रखेगी, लेयर। और
एक लेयर क्या करेगी, इनको कंबाइनली बाइंड करेगी। कंबाइनली क्या करती है, बाइंड करने का काम करेगी। इस तरीके से क्या है, थोरेसिक कैविटी के अंदर ये जो लंग्स है इनको दो लेयर बांधने का काम करती है, और ये जो लेयर है इन लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा प्लूरा क्या है, तो कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ, कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। लंग्स की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसको आप क्या बोलते हो, प्लूरा बोलते हो। अब प्लूरा कौन सी, तो एक प्लूरा तो वो जो क्या कर रही है बाहर की तरफ है, ये वाली जो क्या कर रही है पूरी थोरेसिक कैविटी को बांध रही है, इसको आप क्या बोलते हो, पैराइटल प्लूरा। और एक प्लूरा वो जो सिर्फ ऑर्गन की तरफ है, जिसको आप क्या बोलते हो, विसरल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है ना, तो दो तरीके की क्या रहती है, प्लूरा रहती है। और यहाँ क्या है, इस विसरल प्लूरा और लंग्स के बीच में यहाँ क्या है, कुछ अमाउंट के अंदर क्या रहता है, फ्लूड भरा रहता है, जिसका अमाउंट लगभग 30 ml रहता है, जो क्या करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन, जो क्या करता है फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, जो क्या करेगा फ्रिक्शन से बचाने का काम करेगा, क्या करेगा फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। इसके अलावा अगर बात करें जो है नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा वो क्या है, तो अगर बात करें ब्रीथ साउंड के बारे में, नॉर्मल ब्रीथ साउंड क्या क्या रहती है, ब्रीथ साउंड। अब ब्रीथ साउंड जो है वो दो तरीके की ब्रीथ साउंड होगी, एक ब्रीथ साउंड क्या, एक होती है अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड और एक होती है नॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्रीथ साउंड पढ़ेंगे, और इन नॉर्मल ब्रीथ साउंड से हटके अगर हमें कुछ मिलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो सबसे पहले हमारी कौन सी साउंड रहेगी, तो एक नंबर पे हम पढ़ेंगे इसको नॉर्मल ब्रीथ साउंड, क्या नॉर्मल ब्रीथ साउंड। नॉर्मल ब्रीथ साउंड, अब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में। तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड कौन कौन सी है, तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड तीन प्रकार की होती है, कितनी होती है, तीन होती है, थ्री, तीन होती है। कौन कौन सी, एक होती है ब्रोंकियल साउंड, कौन सी होती है ब्रोंकियल साउंड, एक होती है वेसिकुलर साउंड, वेसिकुलर साउंड, और एक होती है ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। तो तीन तरीके की साउंड है, ब्रोंकियल साउंड, वेसिकुलर साउंड एंड ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। ब्रोंकियल साउंड की बात करें तो ब्रोंकियल साउंड कौन सी है, तो ये क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है, क्या होती है ये, हाई पिच साउंड होती है, क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है। कहाँ होती है, ये आपको जो हमारा कैरिना वाला पार्ट है यानी कि हमें ट्रेकिया पे सुनने को मिलती है, प्रेजेंट ऑन ट्रेकिया एट कैरिना, कैरिना वाले पार्ट पे। और कैरिना कहाँ होती है, तो कैरिना T5 के लेवल पे होता है, कहाँ होता है, T5 के लेवल पे होता है। कब सुनने को मिलेगी, तो ये लॉन्ग होती है, कब, जब हम एक्सपायर करते हैं, तो क्या है, लॉन्गर लॉन्गर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन देन इंस्पायरेशन, लॉन्गर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जब हम एक्सपायर करते हैं उस दौरान ये क्या देखने मिलेगी आपको, ज़्यादा देखने मिलती है इंस्पायरेशन के दौरान। दूसरी साउंड हमारी कौन है, तो दूसरी हमारी है वेसिकुलर साउंड, दूसरी साउंड कौन है, वेसिकुलर साउंड। और वेसिकुलर साउंड के बारे में बात करें, दूसरा हमारा साउंड है और उस साउंड का नाम है वेसिकुलर साउंड।
तो वेसिकुलर साउंड क्या, तो वेसिकुलर साउंड कौन सी होगी, तो ये कहाँ सुनने को मिलेगी, तो वेसिकुलर साउंड हम क्या करेंगे, पूरे स्टेथोस्कोप जो एंटायर लंग है ना, एंटायर लंग के ऊपर ये हमें क्या होगी सुनने को मिलेगी, एंटायर लंग पे। ये कैसी होती है, ये लो पिच होती है, कैसी होती है, लो पिच होती है, लो पिच। और कब, तो ये लॉन्गर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब क्या होगी, जब हम इंस्पायर करेंगे तो उस दौरान ये क्या होगी, लॉन्ग होगी इंस्पायरेशन। देन एक्सपायरेशन, ये क्या होगी, जब आप क्या करोगे, इंस्पायर करोगे, उस दौरान ये क्या देखने मिलेगी, ज़्यादा लॉन्ग देखने को मिलेगी। तीसरी साउंड हमारी ये है, उस साउंड का नाम क्या है, उसका नाम है ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। क्या नाम है, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और ब्रोंको वेसिकुलर साउंड जो है, उस ब्रोंको वेसिकुलर साउंड की अगर बात करें, ब्रोंको वेसिकुलर, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड, और ब्रोंको और वेसिकुलर इसमें दोनों बातें आ रही है। तो ये क्या होता है, ये साउंड जब हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों टाइम क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब आप इंस्पायर करोगे और एक्सपायर करोगे तो दोनों टाइम आपको क्या होगी, एक जैसी देखने मिलेगी। कब, जब आप इंस्पायर करोगे एक्सपायर करोगे तो दोनों टाइम क्या होगी, एक जैसी ही सुनने को मिलती है, उसको आप क्या बोलते हो, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और इसको कहाँ पर सुना जाएगा, इसको सुनने के लिए आप ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट बिटवीन बोथ स्कैपुला, कहाँ सुनते हैं हम, दोनों स्कैपुला के बीच में है ना, दोनों स्कैपुला, और दोनों स्कैपुला के बीच में कहाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जो है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जो है वहाँ पर, या हम लेटरल ऑफ स्टर्नम, लेटरल ऑफ स्टर्नम, तो स्टर्नम के लेटरल साइड में, या फर्स्ट और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के लोकेशन पे, दोनों स्कैपुला के बीच में, स्कैपुला बोलो या शोल्डर प्लेट के बीच में क्या है, ये आपको सुनने को मिलेगा, कौन, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। अब ये तो हमारी तीनों की तीनों क्या है, ये तो हमारी है नॉर्मल ब्रीथ साउंड है ना। नॉर्मल में कौन है, ब्रोंकियल साउंड है, ब्रोंको वेसिकुलर है और वेसिकुलर है। ब्रोंकियल साउंड हमने कहा हाई पिच होती है, जब आप क्या करते हो एक्सपायर करते हो उस दौरान आपको लाउडर सुनने को मिलेगी, और ये कैरिना वाले पार्ट पे सुनती है। वेसिकुलर साउंड हमने कहा पूरे लंग्स पे सुनते हैं, लो पिच होती है, इंस्पायरेशन के दौरान सुनने को मिलती है। और ब्रोंको वेसिकुलर हमने कहा कि जो हमारी शोल्डर ब्लेड है उसके बीच में सुनने को मिलती है, इंस्पायर एक्सपायरेशन दोनों टाइम बराबर होती है, और दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में, फर्स्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस या स्टर्नम के लेटरल पार्ट पे होती है। अब इनमें से कोई अगर डिविएशन आए तो उसको हमने क्या पढ़ा, हम बोलेंगे अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड, अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड। और अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड, तो अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड में क्या होगा, तो अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड में हम काफ़ी सारी साउंड्स पढ़ते हैं। जैसे क्या है, एक हमारे पास है क्रैकल्स, एक होती है क्रैकल्स, एक हम क्या पढ़ते हैं क्रैकल साउंड है। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, इसके अलावा आप पढ़ते हो स्ट्राइडर, एक आप पढ़ते हो स्ट्राइडर है। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो वीजेज या म्यूजिकल साउंड है, वीजेज पढ़ते हो। इसके आप, इसके अलावा आप पढ़ सक क्या पढ़ते हो, तो प्लूरल फ्रिक्शन और पढ़ते हो, प्लूरल फ्रिक्शन और पढ़ते हो। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, रोंकाई पढ़ते हो, रोंकाई पढ़ते हो। इसके अलावा आप क्या पढ़ते हो, रेल पढ़ते हो, रेल पढ़ते हो। तो ये क्या है, आप काफ़ी सारी क्या है, आप नॉर्मल ब्रीथ साउंड भी पढ़ते हैं। तब हम बात करें अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड के बारे में, तो क्या क्या है अब नॉर्मल ब्रीथ साउंड, तो सबसे पहले हमारी ब्रीथ साउंड की नाम बारी आती है जो अब नॉर्मल की कैटेगरी में है, और वो कौन है, तो वो आपकी है क्रैकल्स। तो एक नंबर पे हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रैकल्स के बारे में।